जिले में विधानसभा निर्वाचन के दौरान कुल 115 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए, जिसमें कुल 12 नामांकन निरस्त हुए। पाटन विधानसभा क्षेत्र से अजय चंद्राकर, जो कि आप पार्टी से हैं, उनका आवेदन निरस्त किया गया। बताया जा रहा है कि दो आवेदन होने के कारण उनका आवेदन निरस्त किया गया। पाटन में कुल 19 नामांकन दाखिल हुए, वहीं भिलाई नगर में कुल 14 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें एक हरिचंद का नामांकन खारिज हुआ। दुर्ग शहर से कुल 29 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें सुरेंद्र कुमार वर्मा का हस्ताक्षर व शपथ न होने तथा जसमीत सिंह के प्रस्तावक न होने से नामांकन निरस्त हुआ। दुर्ग ग्रामीण से कुल 16 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें एक लक्ष्मी वर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, उनका नामांकन निरस्त हुआ। वैशाली नगर से कुल 21 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें से दो नामांकन निरस्त हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से करीम अली खान तथा भारतीय जनता पार्टी से गणेश कुमार हिमांशु का नामांकन निरस्त हुआ। अहिवारा से कुल 16 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें 5 नामांकन खारिज हुए, जिसमें ऋषि टंडन जनता कांग्रेस, ओनी कुमार महिलांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राजन कुठैल कांग्रेस, संतोष कुमार बंजारे बसपा, अमरदास नारंगे शिवसेना पार्टी के नाम शामिल हैं।